हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो एनर्जी बैंड्स जो हैं उसको कैलकुलेट करने के कुछ तरीके होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। तीन तरीका होता है एनर्जी बैंड्स को कैलकुलेट करने का। एक कहलाता है आपका टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन, दूसरा होता है विग्नर्सिस अप्रॉक्सीमेशन, और तीसरा जो मेथड है वो होता है आपका स्यूडो पोटेंशियल मेथड, टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन। तो अभी हम सबसे पहले टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक बेरिलियम का एटम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इस हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s1, 2p1। अब जब हम एक एटम ले रहे हैं तो ये जो सिंगल एटम है, ये सिंगल एटम में, फ्री एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पोटेंशियल वेल के अंदर कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये 1s, ये 2s और ये 2p। 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में एक, 2p में एक। अब मान लेते हैं कि हमने दो बेरिलियम का एटम लिया, तो वो दोनों मिलकर के बना लिया उन दोनों ने मॉलिक्यूल। अब जब दो मॉलिक्यूल बनाए तो हम इसके लिए डबल वेल पोटेंशियल शो करेंगे कुछ इस तरीके से, 1s 2s 2p, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जब हम डबल वेल शो कर रहे हैं इसको, तो कपलिंग, एटम्स के बीच में जो कपलिंग है उसकी वजह से जो एटॉमिक लेवल है यानी 1s 2s और 2p जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे बहुत पास पास के लेवल्स में। तो बहुत पास पास के लेवल्स में ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग जो है वो पूरी तरह से डिपेंड किस पे करेगी, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है एटम का। स्प्लिटिंग पूरी तरह से किस पे डिपेंड करेगी, एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर। जितना पास पास होगा न्यूक्लियई उतना ही पर्टर्बेशन जो है वो होगा स्ट्रॉन्ग, और जब पर्टर्बेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो जो स्प्लिटिंग है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब दूसरी बात ये कि स्प्लिटिंग जो है, हमने कहा स्प्लिटिंग डिपेंड करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल के भी ऊपर। जैसे 2p लेवल है आपका, 2p लेवल जो है वो लार्जर है 2s के कंपैरिजन में, और वो लार्जर है 1s के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि स्प्लिटिंग भी लार्जर होगा, पर्टर्बेशन ज़्यादा होगा। तो जो रेडियस है एक्चुअली 1s ऑर्बिटल का जो रेडियस है वो बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है, तो फिर इसका मतलब ये टाइट बाउंड है। जबकि 2s और 2p जो हैं उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, लूजली बाउंड है, बड़े हैं थोड़े, इसलिए वो लूजली बाउंड है। तो वहाँ पर जो स्प्लिटिंग भी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब हम आते हैं इसी तरीके से, हमने दो एटम लेकर के किया, ऐसे ही बहुत सारे एटम्स हैं। जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो वहाँ पे तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो जब हम बहुत सारे एटम्स लेंगे तो फिर जो नंबर, जो एन लेवल्स हैं वो एन सब लेवल्स में बढ़ जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर खूब सारे लेवल्स बढ़ जाएंगे, और ये खूब सारे लेवल्स जो हैं ये मिल करके बनाते हैं एक्चुअली एनर्जी बैंड। यहाँ पे जैसे हमने देखा स्प्लिटिंग हुई दो लेवल में, तो सब लेवल में एक लेवल जो सब लेवल में बढ़ गया। अब एन एटम्स जब है तो एन सब लेवल्स बन गए, एन सब लेवल्स मिल करके क्या बनाए, एनर्जी बैंड बनाए। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमको हमारे समझने की वो यही है कि 1s 2s 2p जो लेवल हैं उनकी वजह से 1s 2s 2p बैंड्स बन गए, और जो रीजन इन बैंड्स को सेपरेट करते हैं वो कहलाते हैं आपके एनर्जी गैप, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं वो कहलाते हैं आपके एनर्जी गैप। अब बात आती है कि टाइट बाइंडिंग मेथड जो है उसमें एनर्जी बैंड्स के लिए जो टाइट बाइंडिंग मेथड यूज़ किया गया है, इस मेथड में क्या कंसीडर किया गया। यहाँ पे कंसीडर करते हैं दो हाइड्रोजन एटम, और दोनों हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 1s स्टेट में, ठीक है। और वेव फंक्शन मान लेते हैं शाई ए और शाई बी है दोनों के ऊपर। अगर ड्रॉ करना चाहे तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया शाई ए आपका और ये दूसरा हो गया आपका शाई बी,
कुछ इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एटम्स को हम पास लेंगे तो जो वेव फंक्शंस हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं दो कम्बिनेशन हम कंसिडर करेंगे, शाई ए प्लस माइनस शाई बी, और हर एक कम्बिनेशन जो है वो शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन को दो प्रोटॉन के साथ में। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो कि शाई ए प्लस शाई बी स्टेट में है उसकी एनर्जी कम होगी शाई ए माइनस शाई बी स्टेट से। जो शाई ए प्लस शाई बी आपका स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम स्पेंड करता है बीच के रीजियन में, यानी दो प्रोटॉन्स के बीच वाले रीजियन में ये कुछ टाइम स्पेंड करता है, और इसी रीजियन में ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल में होता है जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। शाई ए प्लस शाई बी में इलेक्ट्रॉन, ये मान लेते हैं हमने शाई ए प्लस शाई बी बनाया, ये हो गया आपका शाई ए प्लस शाई बी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोटॉन के बीच में कुछ टाइम स्पेंड करता है, तो यहाँ बीच में जब ये टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ पे वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल में होता है जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। जबकि शाई ए माइनस शाई बी में ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे ही दोनों एटम्स को हम पास लाते हैं, दो एटम्स को जब पास लाया जाता है तो दो एनर्जी लेवल्स बनते हैं। इसका एक एनर्जी लेवल, ऐसे नीचे ले आते हैं इसको, इसका एक एनर्जी लेवल, दोनों के एनर्जी लेवल बनते हैं अलग अलग। एन एटम्स को लाएंगे तो फिर बैंड बन जाएगा। जैसे जैसे फ्री एटम्स को पास लाते जाते हैं, जो कूलम इंट्रैक्शन है एटम कोर का और इलेक्ट्रॉन का, वो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है, जो कि जिसकी बात हमने अभी करी थी। तो उससे फिर बैंड का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि जो इस बैंड फॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी लेवल्स में बदलाव आया एटॉमिक लेवल्स में और वेव फंक्शन में, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन में इन पूरे क्रिस्टल में, वो किस तरह का आया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो वेव फंक्शन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं पूरे क्रिस्टल के लिए, तो ये हो जाएगा आपका शाई के आर इज इक्वल्स टू समेशन जे सी के जे फाई आर माइनस आर जे। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, और यहाँ पे हमने समेशन ले रखा है पूरे लैटिस पॉइंट्स में। अब मान लेते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि प्रिमिटिव बेसिस में सिर्फ एक एटम है, तो ये ब्लॉक फॉर्म का फंक्शन होगा। अगर सी के जे की वैल्यू हम लिखते हैं सी के जे इज इक्वल्स टू एन रेज टू माइनस वन बाई टू ई रेज टू आई के आर जे, और एन एटम्स के लिए हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे शाई के आर इज इक्वल्स टू एन रेज टू माइनस वन बाई टू समेशन। सिंपली हमने ब्लॉक फॉर्म को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है, समेशन एक्सपोनेंशियल आई के आर जे फाई आर माइनस आर जे। अब यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेशन लेते हैं, ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि कुछ सिमेट्रीज होती हैं क्रिस्टल में, जैसे रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब रिफ्लेक्शन के बाद भी वो क्रिस्टल एज इट इज़ वैसा ही रहेगा जैसे रिफ्लेक्शन के पहले था। वैसे ही ट्रांसलेशन को एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम क्रिस्टल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसका रोटेशन बदलते हैं, वो रोटेशन सिमेट्री कहलाती है। ट्रांसलेशन सिमेट्री में अगर क्रिस्टल को ट्रांसलेट कर दिया जाए तो फॉर्म पे, तो वो कहलाता है ट्रांसलेशन सिमेट्री। यानी सिंपली समझना है कि एक टी हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं आर प्लस टी, शाई के आर प्लस टी, तो उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी शाई के आर के, तो इसका मतलब ट्रांसलेशन सिमेट्री यहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी सिमेट्री को फॉलो कर रहा है आपका क्रिस्टल। तो यहाँ पे सिमेट्री लेते हैं तो शाई के आर प्लस टी इज इक्वल्स टू हम यहाँ लिख सकते हैं एन रेज टू माइनस वन बाई टू समेशन एक्सपोनेंशियल। फ़र्क हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे प्लस टी कर दिया है, इस इक्वेशन में प्लस टी लिखा है, तो यहाँ पे प्लस टी लिखने से अब एक्सपोनेंशियल आई के टी यहाँ से हम लिख रहे हैं, और एन रेज टू माइनस वन बाई टू समेशन एक्सपोनेंशियल आई के आर जे माइनस टी इंटू फाई आर माइनस आर जे माइनस टी। तो हम देखेंगे कि ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल आई के टी शाई के आर उसके बराबर आ रहा है।
इसकी वैल्यू ये आ रही है, इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे इसको। अब यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट लेकर के। हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं, एच साइज इक्वल्स टू ई साइज। हैमिल्टोनियन निकालेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे हम। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी को के एच के इज इक्वल्स टू एन रेज टू माइनस वन शाई स्टार एच शाई ले रहे हैं तो एन रेज टू माइनस वन बाई टू इंटू एन रेज टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा। एन रेज टू माइनस वन बाई टू लिया था ना हमने, एन रेज टू माइनस वन बाई टू इंटू एन रेज टू माइनस वन बाई टू, तो यहाँ एन रेज टू माइनस वन आ गया। समेशन जे समेशन एम एक्सपोनेंशियल आई के आर जे माइनस आर एम लेस दैन सॉरी और यहाँ पर लिखेंगे हम फाई एम एच फाई जे, इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे इसको। अब इसके आगे फाई एम इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखते हैं हम फाई आर माइनस आर एम, तो और साथ में रो एम इज इक्वल्स टू आर एम माइनस आर जे, तो के एच के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी समेशन एम एक्सपोनेंशियल माइनस आई के रो एम डी वी फाई स्टार आर माइनस रो एम एच फाई आर, इक्वेशन नंबर इसको देंगे 5। अब यहाँ इंटीग्रल लेते हैं हम उसी एटम पे और नियरेस्ट नेबर पे जो कि रो से कनेक्टेड है, तो दो हम अलग अलग कंसिडरेशन इंटीग्रल डी वी फाई स्टार आर एच फाई आर इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा लिखेंगे और डी वी फाई स्टार आर माइनस रो एच फाई आर इज इक्वल्स टू माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 6 देंगे इसको। अगर के की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 आ रही है तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी आपका हो जाएगा के एच के एक्सपेक्टेशन ऑफ के एच के इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा माइनस गामा समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस आई के रो एम विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन के, इक्वेशन 7 हो गया ये। गामा यहाँ पे कहलाता है ओवरलैप एनर्जी ऑन इंटर एटॉमिक सेपरेशन रो, और गामा डिपेंड करता है रो पे फॉर टू हाइड्रोजन एटम्स इन वन एस स्टेट। तो यहाँ पे हम रिडबर्ग यूनिट के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करेंगे, आर वाई इज इक्वल्स टू एम ई रेज टू 4 अपॉन 2H क्रॉस स्क्वायर। तो गामा आर वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस रो अपॉन ए जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस रो अपॉन ए जीरो, इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगा ये। तो ए जीरो इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर से सब्सट्यूट किए हैं ए जीरो को। ओवरलैप एनर्जी आपकी जितनी कम होगी उतना ही जो सेपरेशन होगा, ओवरलैप एनर्जी जो है उस जितनी ज़्यादा आपकी कम होगी उतना ही आपका एनर्जी बैंड जो है वो नैरो होगा, एक चीज़ तो ये है। और जो आपकी ओवरलैप एनर्जी है वो डिक्रीज़ होगी सेपरेशन के साथ, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगी वो। सिंपल क्यूबिक के लिए नियरेस्ट नेबर आपका जैसे आता है रो एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ज़ीरो 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 प्लस माइनस ए ज़ीरो 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 प्लस माइनस है, तो आपका इक्वेशन 7 जो हमने लिया था उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे ओवरलैप जितना कम होगा एनर्जी बैंड उतना नैरो होगा। तो ये कंसिडरेशंस थे आपके टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन में, इससे एनर्जी बैंड को फिर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये समझ आया तो फिर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।